हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को गिलोय के बारे में बताया था कि आप गिलोय को कैसे पहचान सकते हैं, गिलोय कहाँ पे उगता है, वो दिखने में कैसा होता है। और मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके औषधि गुणों के बारे में बताऊँगी। तो आज के इस वीडियो में मैं इसके औषधि गुणों के बारे में बताऊँगी, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक गिलोय का काढ़ा 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को ठीक करता है। गिलोय का पौधा वर्षा ऋतु में आसानी से लग जाता है और पेड़ों पर चढ़ जाता है। एक गिलोय का पौधा लगाकर हम 100 से भी ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं इसके औषधि गुणों के बारे में। गिलोय का काढ़ा सर्दी, जुकाम, कफ, एलर्जी, अस्थमा, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, प्लेटलेट, डायबिटीज़, किसी भी तरह का इन्फेक्शन, किसी भी तरह की न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की कमी जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी को दूर करता है। और इसके साथ ही किसी भी तरह की अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा हो, और किसी की इम्यूनिटी कम हो गई हो जिसे बार बार बीमार पड़ते हैं। कुछ लोग जब भी मौसम बदलता है तब बीमार पड़ जाते हैं। जब भी कभी ठंड ज़्यादा होता है तो उनको सर्दी जुकाम हो जाता है, और जब भी कभी ज़्यादा गर्मी हो जाता है तो उनका पेट खराब हो जाता है, दस्त हो जाता है, उल्टी, दस्त, बुखार, सर्दी जुकाम सब एक साथ हो जाते हैं। तो ये गिलोय का काढ़ा जो है इन सारी परेशानियों को एक साथ दूर करने की क्षमता रखता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके साथ कभी ऐसा ना हो, आप लोग एक बार भी कभी बीमार ना हो, आपको बुखार भी ना हो, तो आप लोग गिलोय का काढ़ा पीजिए, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। कितने काम की है ये गिलोय जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इसको आप लोग अपने घर के अंदर भी लगा सकते हैं, ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की पत्तियाँ, जड़ें और तना तीनों ही भाग सेहत के लिए बहुत गुणकारी होता है, लेकिन बीमारियों के इलाज में सबसे ज़्यादा उपयोग गिलोय के तने या डंठल का ही होता है। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण होते हैं। इनके गुणों की वजह से यह बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज़, कब्ज, एसिडिटी, अपच, मूत्र संबंधी रोगों आदि में भी आराम दिलाती है। बहुत कम ही ऐसी औषधियाँ होती हैं जो कि वात और पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करती हैं। गिलोय उनमें से एक है। गिलोय का मुख्य प्रभाव टॉक्सिन पर पड़ता है और यह हानिकारक टॉक्सिन से जुड़े रोगों को ठीक करने में असरदार भूमिका निभाता है। डेंगू और चिकनगुनिया में गिलोय बहुत ही असरकारी होता है। डेंगू चिकनगुनिया में मरीज क्यों मरता है? क्योंकि उनका प्लेटलेट्स कम हो जाता है। कोई मरीज बुखार से नहीं मरता है, वो प्लेटलेट्स की कमी के वजह से मरता है। प्लेटलेट्स का कम होना बहुत खराब होता है, इससे रोगी की जान भी चली जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स कम होने से ब्लड पतला हो जाता है और रिसने लगता है। प्लेटलेट्स की कमी से आपको कैंसर भी हो सकता है। गिलोय पीने वाले कभी मोटापा के शिकार नहीं होते हैं, और जो मोटा होता भी है वो पतला हो जाता है, और जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है उनकी डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाती है दोनों टाइम गिलोय पीने से। इससे अथराइटिस भी ठीक हो जाता है, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो। सारी चीज़ें प्रयोग करके आप देख चुके हैं, तो एक बार गिलोय का प्रयोग करके देखें, वो एक बार में ही आपकी अथराइटिस की प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। जिनको भी वात पित्त और कफ रोग से संबंधित कोई बीमारी है तो वो भी ठीक हो जाता है। गिलोय पीने वाले को कभी ब्लड प्रेशर नहीं होता है। गिलोय पीने वाले को कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। गिलोय पीने वाले को कभी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होती है। गिलोय पीने वाले का कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। गिलोय का सेवन आप तीन रूपों में कर सकते हैं, गिलोय सत्व, गिलोय जूस या गिलोय स्वरस और गिलोय चूर्ण। आजकल बाजार में गिलोय सत्व और गिलोय जूस आसानी से उपलब्ध हैं, अगर आपके पास इसका प्लांट है तो वह सबसे बेहतर है। तो देखा आप सबने कितने काम की है ना ये गिलोय। एक गिलोय का यूज करके हम कितने सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के पास भी शेयर करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।